talking about magic, since spell is a way of creating magic, हम magic create कर रहे हैं, तो magic को भी हम दो categories में यहाँ लेके चलेंगे. एक है high magic, जिससे spiritual और metaphysical transformation एक इंसान के अंदर होते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका भौतिक magic. The magic that is related to worldly desires. So, those kind of pragmatic spells you'll be learning that help you in day-to-day life and concerns. Now, these spells will include relationship issues, family matters, job concerns, legal problems, and etc. Now you'll say कि magic क्या सच में होता है? आज की date में हर कोई पूछता है ये सच में होगा? Is it possible? Yes, my answer is yes, because after practicing only after implementing everything on myself first, then I come up with the idea कि ये चीज हम आगे बता सकते हैं. So there are many factors that influence the course of our daily lives. आज की डेट में क्या है, हमें कोई बोलता है कि हम आपको ये रेमेडी दे रहे हैं, ये करके दे रहे हैं, वो खुद करके देते हैं और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं. इफ समबडी इज ऑफरिंग अस अ रेमेडी, वील बिलीव ऑन द पर्सन एंड वील टेक द रेमेडी, वेर इन आर ओन एनर्जी एंड इंटेंशन इज नॉट इन्वॉल्व. नाउ व्हाट इज द स्पेल डूइंग? इट इज क्रिएटिंग अ मैजिक एंड इम्प्लीमेंटिंग थ्रू अ टेम्पलेट. जो कि आप कार्ड्स का लेआउट रखते हो तो एक टेम्पलेट आप बना देते हो, तो ये मैसेज कहाँ जा रहा है? वो सिंबल्स दूसरों के अनकॉन्शियस माइंड तक भी वो मैसेज पहुंचाते हैं. दैट इज व्हाई आई सेड दैट टैरो सिंबल्स आर वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज दे इवन हेल्प द मैसेज टू रीच द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ अदर्स. Tarot spells will be a means for you to focus your will and communicate your desires to your own subconscious mind first and then to the subconscious mind of others. So what we are going to do via this, hum iski practice kaise karenge, ek layout create karke kuch meditations aur visualizations se affirmations se हम एक ऐसी लैंग्वेज क्रिएट करेंगे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रीच करेगी और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड तक भी पहुंचेगी. सो दिस इज गोइंग टू पुश अप. क्या क्या पुश करेगा? आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके सक्सेस को. तो अगर आपकी मेंटल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आप दूसरों के माइंड से भी कम्युनिकेट कर सके, सो दिस इज वॉट द एनर्जी वर्क्स. पूरे ऑन द एंटायर यूनिवर्स वी ऑल आर वर्किंग ऑन एनर्जीज, बिलीव इट और नॉट. सो द स्पेल इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग दैट मेंटल पावर टू बी एबल टू बिल्ड दैट एनर्जी जोन टू अचीव द बेस्ट. तो क्या होगा, स्पेल से हम वो मेंटल पावर डेवलप कर लेंगे, हम अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि हम एक ऐसा ऊर्जा का पूरा सूत्र क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी वो कार्य सिद्ध कर पाए.